प्रदेश सरकार सबका विकास सबका साथ देने की बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ग्राम प्रधानों की मनमानी के चलते आए दिन प्रधानों पर विकास कार्य के लिए आई धनराशि में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जनपद मैनपुरी में ग्राम पंचायत में मीडिया कर्मियों ने विकास कार्यों का जायजा लिया तो देखा कि यह ग्राम पंचायत प्रदेश सरकार के सपनों को साकार करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ऐसी ही एक ग्राम पंचायत है गांगसी। इस गांव के प्रधान ने प्रदेश द्वारा भेजी गई धनराशि का सदुपयोग करते हुए ग्राम पंचायत में चहुमुखी विकास करवाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद मैनपुरी के विकास खंड बरनाहल क्षेत्र के ग्राम पंचायत गांगसी की। इस ग्राम सभा की आबादी 6000 के लगभग है। इसमें मतदाताओं की संख्या 3500 के आसपास है और इसके अलावा इस ग्राम सभा में 9 गांव आते हैं। इस ग्राम पंचायत में जब मीडिया कर्मियों ने ग्राम पंचायत का जायजा लिया तो देखा कि प्रदेश सरकार द्वारा दी गई धनराशि का सदुपयोग होता हुआ नजर आया। जी हाँ, विकास कार्यों को लेकर जब ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस गांव के प्रधान यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत के सभी गांव में चौमुखी विकास करवाया है, लोगों को पेंशन सुविधा, आवास, नाले, खंजा के अलावा सीसी मार्ग एवं इंटरलॉकिंग ईंट द्वारा ग्राम सभा की समस्त गलियों की मरम्मत एवं नए 25 खंजा बिछवाए हैं। जी हाँ, ग्राम सभा के अंतर्गत 8 प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल के स्कूल भवन की भी टाइल से लेकर पीने के पानी व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं भी पूरी तरह से मिल रही हैं। वहीं ग्राम प्रधान शिवराज सिंह यादव ने बताया कि उन्हें गांव के विकास में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मंडी में ये क्या कंडीशन है? ये इस समय खराब चल रहा है। कितने दिन से खराब चल रहा है? क्या तुमने अपने अधिकारियों को बताया कि इतने दिन से खराब चल रहा है? सर, ये आए दिन समस्याएं आती रहती हैं चोरी की। पहले भी कई चोरी हो चुकी हैं, आज तक उनका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। फिर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बाद भी ये कंडीशन निकल के आ रही है। खुलासा तो पुलिस करती है सर, जब भी रिपोर्ट कर दोगे तो पुलिस से खुलासा करेंगे। नहीं तो क्या मंडी जमती मंडी की तरफ से कोई गार्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं, गार्ड की व्यवस्था है। फिर भी यही दिक्कत आती है, क्यों आती है सर? क्या मतलब लापरवाही मानूँ, क्या मानूँ इसमें? अब मैं बता रहा हूँ ना, पुलिस FIR दर्ज हो तो पुलिस पकड़े चोर कौन है क्या है। तो क्या पहले चोरी हुई तो कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई? पहले अध्यक्ष जी बैठे हुए, अध्यक्ष जी बताएंगे। अध्यक्ष जी, और ये बाजरा मेरा रखा हुआ था यहाँ पे, 122 कट्टे चोरी हो गए और दीवार के पीछे से ले जाकर। आपको कैसे पता चला ये चोरी हुई आपके यहाँ? मेरे को सुबह मालूम पड़ी, दूसरे व्यापारी ने बताया कि यहाँ से माल चोरी हो गया है। तो फिर आपने किसी को सूचना दी? सूचना मैंने मंडी वालों को दी तो उन्होंने कोई गार्ड नहीं आया, और मंडी वाले आए कि हमारे हम आके देखेंगे। तो यहाँ जैसे रात को सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, क्या उनकी देखभाल नहीं होती? क्या लगता गार्ड है रहते हैं, जब तक हम रहते हैं तब तक रहते हैं, वो सो जाते हैं, पीछे कोई नहीं देखता। क्या लगता है आपको ये चोरी कैसे हुई होगी? ये चोरी तो जो है मंडी वाले जो गार्ड हैं वो कोई देख रेख करते नहीं है, कोई कई बार चोरी हो चुकी है, कोई देख रेख नहीं है उसकी। अच्छा, मंडी समिति वाले आपने जब शिकायत की तो क्या आश्वासन आपको दिया है उन्होंने? वो कह रहे हैं कि आप जो है रिपोर्ट दर्ज कराओ और जानकारी से पुलिस उसकी थांग लाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।